आइए बच्चों, चौहानिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सुपर योजना क्या है और कौन सी कक्षा के छात्र इस योजना में भाग ले सकते हैं, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, सुपर 100 योजना क्या है इसके विषय में हम विस्तार से जानते हैं। सुपर 100 जो योजना है, वो इसका जो उद्देश्य है, शासकीय स्कूलों के एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन के साथ साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है कोचिंग देकर तैयारी कराना है। यह जानकारी आप एमपी एजुकेशन ज्ञानदीप पर भी देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरा विस्तृत विवरण जो है मिल सकेगा। सुपर 100 योजना अंतर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाकर शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय भोपाल या शासकीय मल्हार आश्रम उत्तर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में प्रवेश दे करके कक्षा 11वीं एवं 12वीं में निःशुल्क अध्ययन तथा छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। मैस्त विषय समूह हेतु चयनित विद्यार्थियों को आईआईटी जीई की कोचिंग, बायोलॉजी विषय समूह हेतु चयनित विद्यार्थियों को नीट की कोचिंग तथा कॉमर्स विषय समूह हेतु चयनित विद्यार्थियों को सीए की कोचिंग दी जाएगी। सुपर योजना के अंतर्गत प्रवेश हेतु जो सीटें हैं उसके विषय में भी हम जान लें, तो सुपर 100 योजना 2022 अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय भोपाल तथा शासकीय मल्हार आश्रम उत्तर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हम जो है प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट देख लेंगे, उसका विवरण कि कौन से विषय में इन दोनों विद्यालयों में कितनी सीटें है। यहाँ देखेंगे हम विषय समूह गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य और योग, विद्यार्थियों की संख्या, शासकीय मल्हार आश्रम उत्तर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में कितनी सीटें हैं और शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में कितनी। तो गणित में हम देखेंगे इंदौर में 51 और भोपाल में 76 सीटें हैं, जीव विज्ञान में 51 और भोपाल में 76, वाणिज्य में भी 51 और भोपाल में यहाँ पर 51। ऐसे शासकीय मल्हार आश्रम उत्तर माध्यमिक विद्यालय में टोटल तीनों जो विषय समूह है उसके लिए 153 सीटें निर्धारित है और शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय भोपाल द्वारा के विद्यालय में 203 सीटें निर्धारित है। अब इस योजना में किन विद्यार्थियों को पात्र माना जाएगा इसके विषय में भी जान लें, कौन से विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सुपर 100 योजना अंतर्गत आवेदन हेतु पात्रता जो है, आवेदन फार्म में केवल एमपी बीएससी के 10वीं कक्षा में केवल शासकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण 70% से अधिक और 70 से ज़्यादा प्रतिशत वाले छात्र छात्रा 2022 हेतु आवेदन करने हेतु पात्र रहेंगे। यह जानकारी आप एमपी एजुकेशन ज्ञानदीप, जैसे कि हमने अभी और बता चुके हैं, पर भी देख सकेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे सुपर 100 चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची। तो सुपर 100 सेलेक्शन लिस्ट 2022-23, सुपर 100 सेलेक्शन लिस्ट इंदौर एमपी, सुपर 100 सेलेक्शन लिस्ट 2022 भोपाल। आवेदन पत्र भरते समय विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी निम्नलिखित प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। प्राथमिकता क्या है देखें आप, विषय समूह का चयन, वे तीन विषय समूह गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य में से किसी एक विषय में प्रवेश लेकर के अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरा, विद्यालय प्राथमिकता क्रम,
वे प्रवेश की स्थिति में शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल अथवा शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में से किस विद्यालय में प्रवेश को प्रथम एवं द्वितीय प्राथमिकता देंगे, वो आपको चयन करना है। इसके बाद देखेंगे हम सुपर 100 योजना अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं। अब सुविधाएं इसमें इस योजना में छात्रों को क्या क्या मिल पाएगी, इसके विषय में भी जान लें। तो निःशुल्क आवास, भोजन एवं अध्ययन सुविधा छात्रों का इसमें या पालकों का इसमें कुछ नहीं लगेगा। इसमें अगर चयन हो जाता है तो यह जो व्यवस्था है वो निःशुल्क है। तो भोजन, आवास और अध्ययन की सुविधा जितनी भी है वो सब निःशुल्क है। तो चयनित विद्यार्थियों को उक्त विद्यालय में छात्रवासी के रूप में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाकर कक्षा 11वीं तथा तत्पश्चात कक्षा 12वीं में अध्ययन की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। छात्रावास में निवास, भोजन, अध्ययन की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी। इसके बाद देखेंगे कोचिंग की क्या व्यवस्था रहेगी इसमें। तो JEE मेंस, नीट, CA फाउंडेशन हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा। तो गणित विषय समूह चुनने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग हेतु प्रतियोगी परीक्षा, JEE मेंस, जीव विज्ञान विषय समूह चुनने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल हेतु प्रतियोगी परीक्षा नीट और वाणिज्य विषय समूह चुनने वाले विद्यार्थियों को चार्टर अकाउंटेंट हेतु उपयोगी परीक्षा जो है को फाउंडेशन की निःशुल्क कोचिंग देश प्रदेश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से दिलवाई जाएगी। अब हम आगे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन समय सारणी। अब इसके लिए हम कैसे और कहां पर कौन सी वेबसाइट पर हम आवेदन कर सकते हैं, तो इसके विषय में भी जान लें। तो सुपर 100 ऑनलाइन आवेदन समय सारणी विद्यार्थी द्वारा सुपर 100 योजना अंतर्गत 2022 में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र MP ओपन स्कूल वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी के अनुसार दिनांक 15/6/2022 तक भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण जानकारी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए थी। इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद बच्चों।